Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss first law of thermodynamics and its mathematical formulation. So, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में और उसके मैथमेटिकल कंसेप्ट के बारे में. तो अलग अलग बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं फर्स्ट लॉ के बारे में, तो हम पहले फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे, उसके अलग अलग स्टेटमेंट को, और देन फिर डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे होता है. तो चलिए देखते हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो सिंपली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है. और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम जानते हैं कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो एनर्जी जो है उसको हम केवल उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे हम केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है. तो होता क्या है कि ऑलवेज टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है. यानी काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी जब कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाता है. ओवरऑल टोटल एनर्जी ऑलवेज कॉन्स्टेंट होती है. और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स है वो इसी के बेसिस पे आधारित है, सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर. बाद में आइंस्टीन ने इसके लिए एक बताया था कंसेप्ट कि 1905 में उन्होंने डिस्कस किया था, जिस ईयर में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसी ईयर में उन्होंने बताया था कि जो है एनर्जी को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा फैक्ट था उस समय के लिए. क्योंकि हम जनरली यही पढ़ते हैं कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, इस तरह का कॉन्सेप्ट था. लेकिन आइंस्टीन ने एक नया आइडिया दिया कि हम उसे क्रिएट कर सकते हैं मास के थ्रू. अगर हम मास को लॉस करें या मास को एक तरीके से लॉस करके या गेन करके वहाँ से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं उनके रिलेशन से, जो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, या सिंपली कहें तो एम सी स्क्वायर. तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू आइंस्टीन ने कहा कि हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं. लेकिन फिर ये जो इक्वेशन था, ये छोटी स्केलिंग जो था वो एटॉमिक मास लेवल पे सही रहा. एटॉमिक मास जहाँ बहुत कम होता है और जहाँ पे वेलोसिटी सी के आसपास होती है, ये उस रेंज में एप्लीकेबल रहा. केमिकल में या केमिकल या यूँ कहें कि केमिस्ट्री के जो थर्मोडाइनमिक्स है वहाँ पे हम ऐसी चीज़ें यूज नहीं करते. तो एक नया संशोधन हम जोड़ सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में, जो आइंस्टीन के अनुसार जोड़ा गया कि मास और एनर्जी दोनों का कंजर्वेशन, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इसको बोलते हैं सिंपली, जो ये है ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लेकिन आइंस्टीन के कंसेप्ट से इसमें एक टर्म और जोड़ गया मास. सो प्रिंसिपल ऑफ मास एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, तो एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुआ आइंस्टीन की वजह से, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. तो लेकिन ये वाला जो फंडा था वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ज़्यादा इफेक्टिव है, थर्मोडाइनमिकल रिएक्शंस में मास बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और यहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ कंसिडरेशन में ये नहीं आता है. तो हम जनरली इसी टर्म्स को यूज़ करते हैं जो फर्स्ट लॉ का है, इसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा है, या एटॉमिक लेवल पे ऐसा है कि हम एनर्जी को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. इसका कंसेप्ट कुछ इस तरीके से आया कि जैसे अगर हम सपोज करें कि क्यू अमाउंट हम दिए किसी भी सिस्टम्स को और उसने वर्क डन किया डब्लू, हम किसी सिस्टम्स को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं और वो वर्क डन किया डब्लू. अगर हम रिवर्स ऐसा सोचें कि रिवर्स में हम डब्लू दिए और अगर टोटल क्यू नहीं हुआ,
ऐसा जनरली नहीं होता है, जितना ज़्यादा हम हीट देंगे, अगर वर्क मान लीजिए मैकेनिकल वर्क हो भी गया, नेक्स्ट जब हम रिवर्स में करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उतना ही वर्क करने से सेम हीट आ जाए। तो सपोज़ करिए कि ये कुछ और आया, तो अब Q डैश और Q में डिफरेंस आ गया। अब ये बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, इस बेसिस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया कि हम उसे किस तरीके से दिखाएंगे। तो ये हुआ कि यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट रिलेशन आना चाहिए, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मैथमेटिकल पार्ट में हम देखेंगे कि वहाँ पे एक रिलेशन आता है डी क्यू इक्वल टू इस तरीके से डी प्लस डब्ल्यू। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, क्योंकि उसी दौरान जूल्स लॉ भी आया था जो बिल्कुल इसके कोरिलेटिव टाइप का रहा, कि उसमें जो जूल्स ने बताया था कि W जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे उसी के इक्विवेलेंट में वर्क डन होता है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ एनर्जी को कंज्यूम करता है। ये चीज़ भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट में यूज़ हुई है, यहाँ पे है वो ये चीज़। सो दिस इज़ अ इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन, यानी ऐसी मशीन्स का कल्पना करना इम्पॉसिबल है जो लगातार वर्क दे सके, यानी जित दैट इज़ ए मशीन विच वुड प्रोड्यूस वर्क कॉन्टीन्यूसली विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। तो बिना एनर्जी को कंज्यूम किए हुए ऐसे किसी भी मशीन्स को बनाना इम्पॉसिबल है जो कॉन्टीन्यूस क्यू को डब्ल्यू में चेंज करें। ऐसा करना असंभव है, ऐसा हम नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो देखते हैं इसका दूसरा स्टेटमेंट। पहला ये था कि एनर्जी कंजर्व रहती है, उसे ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें हमने सारी चीज़ें बड़ा साफ साफ लिखा है, तो इसीलिए लिखा है कि अगर आप चाहें तो नोट्स भी कर सकते हैं ये चारों स्टेटमेंट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम मैथमेटिकल पोर्शन देखेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट आता है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम्स होता है जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट करने के लिए क्या कहते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग, दो टर्म हमारा बेसिक टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, सिस्टम और सराउंडिंग। तो आइसोलेटेड होने के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो। तो होता क्या है कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो सराउंडिंग को दे देगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा सिस्टम को। इस तरीके से ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है और ये आइसोलेटेड बना रहता है। तो जो टोटल एनर्जी होती है आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। ऑल्दो इट्स मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। किसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा? वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, तो किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। टोटल एनर्जी का चेंज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, लेकिन ये हमेशा टोटल जो अमाउंट है एनर्जी की वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। केवल ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है। तीसरा था कि व्हेनेवर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब कभी भी किसी भी, तो व्हेनेवर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जब कभी भी कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर्स होती है, यानी किसी भी फॉर्म की एनर्जी अगर डिसअपीयर होती है यानी गायब हो जाती है, तो इक्वल एंड एग्जैक्टली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस। तो जितनी एनर्जी एक फॉर्म में डिसअपीयर होती है उतनी ही एनर्जी दूसरे फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये भी एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शो करता है कि जैसे ही जितनी सर्टेन क्वांटिटी एक फॉर्म में डिसअपीयर्स होती है उतनी ही दूसरे फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है। यानी हम फिर से वही चीज़ कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। तो उसी चीज़ को एक अनदर स्टेटमेंट ये भी है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मोशन। परपेचुअल से मतलब होता है एक तरह से कॉन्टीन्यूअस।
सो कॉन्टीन्यूअस मोशन मशीन एक तरह से कह सकते हैं, तो ऐसा कुछ जो लगातार क्यू को डब्ल्यू में चेंज करे, ऐसा कुछ संभव नहीं होता। कैसे संभव होता है? संभव इस तरह से होता है, ए मशीन विच प्रोड्यूस वर्क कॉन्टीन्यूअसली विथ कंज्यूमिंग एनर्जी, तो बिना कंज्यूम किए हुए एनर्जी कोई भी मशीन डायरेक्टली क्यू को डब्ल्यू में चेंज नहीं कर सकती है। और यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि यहाँ पे कोई एक और टर्म आना चाहिए, जो बाद में पता चला कि वो एक इंटरनल एनर्जी वाला टर्म है। यही इंटरनल एनर्जी है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन को। तो इसको चाहें तो आप राइट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, सो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, हम कोई एक सिस्टम मान लेंगे। सपोज करिए कि एक सिस्टम हम ले रहे हैं जहाँ यहाँ पे हम वॉल्यूम दिखा रहे हैं और इधर प्रेशर, सो सपोज जो इनिशियल स्टेट है वो ए है और दूसरा स्टेट हमारा या फाइनल स्टेट कहें तो बी है। एक पाथ इसको मान लेते हैं ए सी बी और दूसरा कोई पाथ है जो ए ई बी और कोई एक और अनदर पाथ कुछ इस तरीके से जो कि डी है। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि कहीं पे वर्क डन हो रहा है, हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो वो ए से बी पर जाएगा, यानी ए से बी पर जाने में वर्क डन होगा। वो वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट पाथ से हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक बार वो ए ई बी पाथ से जा रहा है, दूसरी बार ए सी बी पाथ से और तीसरी बार वो ए डी बी पाथ से जा रहा है। तो हम जानते हैं चूँकि वर्क हमारा वर्क जो है वो पाथ फंक्शन होता है, यानी जिस भी पाथ से हम जाएंगे उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट काम करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डी क्यू देते हैं, और एक चीज़ और हम यहाँ शो कर दें, ये हो जाएगा पी वन वी वन यहाँ इस स्टेट को, और बी वाले स्टेट को हम लिख सकते हैं पी टू वी टू। तो ये हो जाएगा सिंपली वी वन और ये वी टू। तो अगर हम वर्क डन की बात करें कि वी वन से वी टू जाने में एक्सचेंज करने में प्रेशर के अगेंस्ट कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर होगा फिर ये इनटू चेंज इन वॉल्यूम, इस तरीके से निकालते हैं। तो हुआ यहाँ पे क्या कि जो अगर हम हीट देते हैं, मान लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अगर हम दें डी क्यू वन, और वर्क डन अगर आता है, सपोज़ करिए कि हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ में हम अलग अलग हीट दिए हैं, एक पाथ में डी क्यू वन दिए, एक पाथ में डी क्यू टू और डी क्यू थ्री, इस तरीके से, और जो वर्क डन हुआ वो एक प्रोसेस में डब्ल्यू वन हुआ और दूसरे प्रोसेस में डब्ल्यू थ्री हुआ, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। हर प्रोसेस में हमें हीट भी अलग देनी पड़ेगी और वर्क भी अलग अलग करना है, क्योंकि हीट और वर्क ये दोनों पाथ फंक्शन हैं, ये दोनों ही पाथ फंक्शंस होते हैं। तो जितनी वर्क डन करना होता है उसी अमाउंट में हमें हीट देनी पड़ती है। तो सपोज़ करें कि अगर हम इतनी इतनी और इतना हीट दे रहे हैं और अलग अलग वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ पर यह पाया गया कि जो डिफरेंस आता है हीट का, सपोज़ करिए डी क्यू वन माइनस डब्ल्यू वन, इसका जो डिफरेंस रहा वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहा, डी क्यू थ्री माइनस डब्ल्यू थ्री
इसको मान सकते हैं D2 और ये मान सकते हैं D3। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है सारा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कोई थ्योरेटिकल डेटा ऐसा कुछ बेसिस नहीं है, ये सारा कुछ एक्सपीरियंस के आधार पे है। तो हमने जो देखा वो ये देखा कि चाहे पहला प्रोसेस रहा हो हमारा एक तरीके से AB, अगर हम इसको सपोज करें, तो इस पाथ के दौरान चाहे इस पाथ के दौरान चाहे इस पाथ के दौरान, हर पाथ के दौरान जो ये एनर्जी आई, जो दोनों का डिफरेंस रहा, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहा, यानी वो हमेशा फिक्स रहा। यानी जितना ज़्यादा वर्क करना हुआ उसके हिसाब से हमारा जो हीट सप्लाई था वो बढ़ गया, और जब हम डिफरेंस करते हैं तो हमेशा कॉन्स्टेंट आता है। तो इस टर्म को हम मान सकते हैं डी। जब एक ही टर्म है तो अदर अदर नोटेशन क्यों यूज करना, सिंपल डी। तो हम मान ले रहे हैं कि वो कॉन्स्टेंट हमारा डी है। तो इन जनरल हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, DQ - W = D। इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम DQ अमाउंट ऑफ हीट देंगे और टोटल वर्क डन W हुआ है, तो ये डिफरेंस कितने के बराबर आएगा, DE के बराबर। या इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DE + W। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो डिफरेंस आया, जैसे हमने जूल्स लॉ में पढ़ा था कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है W के, या सिंपल बोलें तो रिवर्स में W प्रोपोर्शनल Q। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मिला, तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल टाइप है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस एक्सप्रेशन से हम ये देख रहे हैं कि जो DQ था ये तो सप्लाइड हीट था, एक तरीके से हमने ये सप्लाई किया है सप्लाइड हीट, ये वर्क डन। और इस एनर्जी को जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, तो कॉन्स्टेंट होने की वजह से इसे सिस्टम की एनर्जी मान लेते हैं, और ये कॉन्स्टेंट टर्म कहलाता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम तो चेंज हो नहीं रहा है, ए से बी जाए चाहे ए से सी जाए या ए से डी जाए, सिस्टम हमारा एक ही है। जो हमारा PV सिस्टम है वो सेम सिस्टम है, केवल हम डिफरेंट पाथ से स्टेट ए टू स्टेट बी जा रहे हैं। तो ये हमारा था इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। तो एक चीज़ और इस टर्म से कंफर्म हो रहा है कि चाहे हम किसी भी पाथ से जा रहे हैं, और चूंकि डी हमेशा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जो ये टर्म आ रहा है ये टर्म पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और पाथ पे डिपेंड नहीं करने का मतलब केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। यानी कि ये कैसा फंक्शन हुआ, ये स्टेट फंक्शन हुआ। सो डी जो है या इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है। तो इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, जैसे एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है उसी तरीके से इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, जो कि केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस पाथ से वर्क डन हुआ, किस मैनर से हुआ, इन चीज़ों पे इंटरनल एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। तो ये था पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके मैथमेटिकल का आइडिया। और इस टर्म्स को हम देख के कह सकते हैं कि जो सप्लाइड हीट होती है वो किस तरीके से यूज़ होती है, वो सम होती है इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का, या यूँ कहें कि जो सप्लाइड हीट होती है वो इन्वेस्ट होती है कंज्यूम एनर्जी के रूप में, और जो रेस्ट पार्ट होता है एनर्जी का वो वर्क के रूप में यूज होता है। तो कार्नोट साइकिल जो था वो इसी के ऊपर बेस्ड था, और उसमें लगभग एक इमेजिनेशन से किया गया, वो काल्पनिक जैसा इंजन था जिसको हम मानते हैं कि वो 100% एफिशिएंट है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब थोड़ा बात करते हैं वर्क डन के बारे में।
वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो चलिए डिस्कस करते हैं। Isothermal process and adiabatic process. तो हम यहाँ पे expression find करेंगे वर्क डन के लिए आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सो द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसमें हम उसी तरीके से सिस्टम ले लेते हैं। A to B, और इसको मान लेते हैं स्टेट हो गया P1 V1, और इस स्टेट को मान लेते हैं P2 और V2। V2 हो जाएगा V1 साइड P1, ठीक है। तो A टू B हमें वर्क डन निकालना है, जो प्रोसेस हो रहा है वो आइसोथर्मल हो रहा है। तो आइसोथर्मल होने का मतलब जो टेम्परेचर यहाँ पे है वही टेम्परेचर यहाँ पे होगा। तो ये हमारा इनिशियल स्टेट है और ये है फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट और ये है फाइनल स्टेट। और हमारा काम है कि हम इस प्रोसेस में A टू B वर्क डन निकालें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक पतली सी स्ट्रिप लेते हैं बीच में, और इसको मान लेते हैं कि ये स्मॉल पार्ट है वॉल्यूम का dB। तो सबसे पहले हम इस स्मॉल पार्ट का वर्क डन निकालते हैं। तो इसके स्मॉल पार्ट के वर्क डन के लिए हम क्या लिखेंगे, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो इसको भी हम dW से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा P into dV। सो जो ये एरिया है वो शो कर रहा है वर्क डन को किस, तो एक तरह से ये वाली एरिया, तो हमारा ये वाला पोर्शन P जैसा हो जाएगा और ये dV, ठीक है। तो हम एक तरह से एरिया ही फाइंड कर रहे हैं, ये पोर्शन पी को डिनोट कर रहा है। और ये पतली सी स्ट्रिप है तो इसको हम रेक्टेंगल जैसा मान सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत छोटा होता है जो हम ऐसे दिखा रहे हैं। जैसे अगर हम इस छोटे से पार्ट को बाहर निकालें तो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे ये स्ट्रिप है। चूँकि ये बहुत स्मॉल है तो इसको हम ऐसा ना मान के बल्कि एक रेक्टेंगल जैसा भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये ब्रेथ जैसा हो गया और ये लेंथ जैसा हो गया। तो एक तरह से जो एरिया होती है वही इस पार्ट की जो एरिया होगी वही वर्क डन करना होता है इस dAB वाले सेक्शन में। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा dW इक्वल टू pdV। और अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सो टोटल वर्क डन वर्क डन फ्रॉम A टू B इन आइसोथर्मल प्रोसेस तो उसके लिए हम डिनोट करेंगे WAB और इंटीग्रेशन होगा V1 टू V2। हमारा वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ पे
अब एक चीज़ और यहाँ हम बता दें कि जहाँ कहीं भी वॉल्यूम एक्सपेंशन आता है वहाँ पे वर्क डन जो होता है वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। तो जहाँ भी एक्सपेंशन आए, जैसे यहाँ पे V1 से V2 आ रहा है तो वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है, जहाँ कहीं भी एक्सपेंशन आता है वहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और जहाँ कहीं भी हम कंप्रेस करते हैं यानी वॉल्यूम डिक्रीज करता है वहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, यानी सिस्टम के ऊपर काम होता है। तो यहाँ पे सिस्टम द्वारा कार्य हो रहा है तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। सो V1 टू V2 PdV, और यही क्या है, ये हो गया एक तरह से एरिया। कौन सी एरिया? AB, और यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं स्मॉल b और यहाँ पे a, तो एक तरह से एरिया ऑफ AB स्मॉल b और a। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? इस पूरी एरिया के बराबर होगा। ए टू बी में जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर होगा? इस पूरे एरिया के बराबर। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी को रिप्लेस करेंगे। तो हम जानते हैं आइसोथर्मली जो इक्वेशन होता है वो होता है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या एक तरह से 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम लिखेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं PV इक्वल टू RT। तो सिंपली यहाँ से हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे P को फाइंड करें तो लिख सकते हैं RT अपॉन V। इसी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 टू V2, और P के प्लेस पे है RT अपॉन V dV। क्लियर? सिंपली हम P को यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा RT कॉमन और 1 अपॉन V dV V1 टू V2। यहाँ से हमें मिलेगा RT, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू log, सो log बेस E और V, और यहाँ पे लिमिट लगेगा V1 टू V2। देन ये हो जाएगा log V2 अपॉन V1। सो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट, तो हमें फाइनली मिलेगा RT log बेस E V2 अपॉन V1। तो ये रहा वर्क डन इस प्रोसेस में। तो यानी कि WAB हो जाएगा RT log बेस E V2 अपॉन V1। तो इसी को फिर हम log 10 बेस पे लिख सकते हैं। तो log 10 बेस के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 इंटू RT log बेस 10, ये हो जाएगा V2 अपॉन V1 WAB। तो ये रहा एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, और यहाँ पे बेस 10 है। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला जान लीजिए। ये बेस ई को हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन है। तो लॉग EX को हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे आता है 2.303 लॉग 10 और यहाँ पे X। तो इसको एक फार्मूले की तरह समझिए कि हम लॉग बेस EX को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली 2.303 लॉग बेस 10 और देन X। तो ये जो एक्सप्रेशंस है वो वर्क डन है इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो हम लिख सकते हैं दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब इसी एक्सप्रेशंस को हम प्रेशर के टर्म में भी निकाल सकते हैं। अब उसे कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में PV हमारा कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर PV कॉन्स्टेंट है तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, इसी से हम इन जनरल लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, और यहाँ से अगर हम V2 अपॉन V1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, P1 अपॉन P2। तो अगर V2 बाई V1 को हम रिप्लेस कर दें यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा WAB इक्वल्स टू 2.303 RT log
based in P1 upon P2. तो ये है वर्क डन सेम इन आइसो थर्मल प्रोसेस लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. ये था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ये जो एक्सप्रेशन था वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और ये जो एक्सप्रेशंस है वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. तो एग्ज़ाम में कौन सा हिस्सा पूछा जाता है उसके हिसाब से उसका जवाब हम देंगे. तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है या इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है. तो ये रहा होल आइडिया अबाउट वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. और ये एक्सप्रेशन वॉल्यूम के लिए, ये एक्सप्रेशन प्रेशर के लिए. इसी तरीके से हम एडियाबेटिक प्रोसेस में भी वर्क डन निकाल सकते हैं. थोड़े थोड़े इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं. तो फिगर आपका सेम ही रहेगा. हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरा वाला भी एडियाबेटिक प्रोसेस को. एडियाबेटिक प्रोसेस तो इसमें भी हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऐसे ही आएगा P into dB. फिगर लगभग सेम ही होगा. थोड़ा सा स्लोप एडियाबेटिकली हम ज़्यादा लेते हैं तो इस स्लोप को हम थोड़ा सा इस तरह से दिखा सकते हैं. कुछ यहाँ कर लें क्योंकि एडियाबेटिकली प्रोसेस तेज़ी से होता है तो वहाँ स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा होता है. बाकी चीज़ें लगभग सेम है. और एडियाबेटिक वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता. वो सारा प्रोसेस इंसुलेटेड कंटेनर में होता है तो वहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता है. हीट वहाँ पे कॉन्स्टेंट होती है. जैसे आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था उस तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कॉन्स्टेंट रहती है. तो इस दौरान भी वर्क डन यही होगा स्मॉल अमाउंट के लिए dW/pdV एंड देन सारा प्रोसेस सेम ही होगा. यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस PV पावर गामा इक्वल कॉन्स्टेंट होता है. यहाँ से ये थोड़ा सा चेंज होगा. सो PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो यहाँ से इसको फिर हम मान लेते हैं कि K है ये कॉन्स्टेंट. से के यहां से अगर हम फाइंड करेंगे पी को तो ये हो जाएगा के अपॉन वी पावर गामा. इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहीं पे तो आएगा dW/AB V1 to V2 pdV. पी हो जाएगा के अपॉन वी पावर गामा dV. तो के को हम बाहर ले लेते हैं. अंदर हो जाएगा वी का पावर माइनस गामा dV V1 to V2. इसको हम ऊपर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस गामा हो गया. अब ये हो जाएगा सिंपली V to the power माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन. तो ये इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो यहाँ एक पावर ऐड होता है और नीचे भी वही चीज आती है. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं x to the power n dx इक्वल टू x^(n+1)/(n+1). तो जो भी यहाँ पे पावर होता है उसमें पावर एक ऐड होता है और यहाँ पे n+1 हो जाता है. तो ये क्लियर. और यहाँ पे लिमिट लगेगी. लिमिट हो जाएगा V1 to V2. हम इधर देखते हैं लिमिट हम रखेंगे तो ये k हमारा बाहर ही है. k तो W=k तो लिमिट जब हम रखते हैं तो एक टर्म इसको भी हम बाहर ले सकते हैं -γ+1. सो -γ+1 और ये हो गया V^(-γ+1). तो इसको अगर हम नीचे लिखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/V^(-γ) V1 और V2. क्लियर. यहाँ पे γ-1 हो जाएगा. ये चेंज हो जाएगा γ-1 चूँकि यहाँ गामा ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा और दूसरा टर्म माइनस हो जाएगा. सिंपली इस टर्म को हम नीचे ला रहे हैं तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे
माइनस हो जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा के अपॉन माइनस गामा प्लस वन, हम लिमिट रखते हैं तो वन अपॉन वी टू पावर गामा माइनस वन माइनस वन अपॉन वी वन पावर गामा माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? अब अभी अभी हमने देखा है कि पी वी पावर गामा इक्वल कॉन्स्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो इसको हम अगर इन जनरल लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पी वन वी वन पावर गामा इक्वल टू पी टू वी टू पावर गामा इक्वल टू के, क्योंकि के ओवरऑल कॉन्स्टेंट है। सो पी वन वी वन गामा इक्वल टू पी टू वी टू पावर गामा इक्वल कॉन्स्टेंट, तो एक तरह से हम के को ऐसा लिख सकते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम के को अंदर ले जाएं तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, तो हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं W into B equal K upon 1 minus gamma, और अंदर हो जाएगा, या इसको हम तो हटा देते हैं, यहाँ पे 1 हो गया और K को हम अंदर ले जा रहे हैं, सो ये हो जाएगा K V2 to the power gamma minus 1, और यहाँ भी K V1 to the power gamma minus 1, ये हो गया 1 minus gamma। सो के को हम लिख सकते हैं, तो जहाँ वी टू है वहाँ पे वी टू वाला टर्म यूज कर लेंगे, यानी ये वाला। सो ये हो जाएगा सिंपली पी टू और वी टू पावर गामा अपॉन वी टू गामा माइनस वन, और यहाँ पे पी वन वी वन पावर गामा अपॉन वी वन पावर गामा माइनस वन। तो बहुत ध्यान से करेंगे इसको, और ये ध्यान रखेंगे कि नीचे अगर वी टू है तो हम सेकेंड टर्म को ऊपर यूज करेंगे के के लिए, और नीचे अगर वी वन होगा तो हम फर्स्ट टर्म को यूज करेंगे के के लिए। तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस गामा, तो यहां से हमें मिलेगा पी टू और वी टू पावर गामा, यहां भी है यहां भी वी टू पावर गामा है और यहां पे माइनस वन है। तो अभी चाहे तो हम एक लाइन और यहां बढ़ा ले ताकि क्लियर रहे, ये हो जाएगा वी टू पावर गामा और इंटू वी टू पावर माइनस वन। उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा पी वन वी वन पावर गामा, और यहाँ हो जाएगा वी वन का पावर गामा और वी वन का पावर माइनस वन। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ कट रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, या जो माइनस वन है वो ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा वन अपॉन वन माइनस गामा सिंपली पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डब्ल्यू ए बी वन अपॉन वन माइनस गामा इक्वल टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस ये है, या इसको फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में कुछ इस तरीके से। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हम लिख सकते हैं फॉर वन मोल ऑफ गैस के लिए, या एन के लिए भी लिख सकते हैं। तो हम फिलहाल लिखते हैं फॉर वन मोल ऑफ गैस, तो एन इक्वल टू वन हो जाएगा, और सिंपली पी वी इक्वल टू आर टी। तो इस केस में क्या है, चूंकि ये प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो दोनों स्टेट का टेम्परेचर अलग अलग होगा, यहाँ का टेम्परेचर T1 होगा और यहाँ पे T2 होगा। और चूंकि इस दौरान हम हीट प्रोवाइड नहीं करते, हीट यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहती है, जो भी वर्क डन होता है वो इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके होता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे डाउन भी होता है, टेम्परेचर यहाँ पे कम भी होगा। तो यहाँ पे जो नोटेशन है वो चेंज होगा, तो हम इसके हिसाब से लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू RT1 एंड किसी दूसरे स्टेट के लिए लिख सकते हैं P2 V2 इक्वल टू RT2।
तो हम अगर स्टेट ए की बात करें तो वहाँ के लिए हमारा इक्वेशन बनेगा P1V1 इक्वल टू RT1, और स्टेट बी के लिए हमारा इक्वेशन बनेगा P2V2 इक्वल टू RT2। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो हमें मिलेगा WAB इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा, और ये हो जाएगा RT1 माइनस RT2, यहाँ पे T2 होगा, यहाँ पे T1, क्योंकि P2V2 यहाँ पे है। यहाँ से चाहे तो हम R कॉमन ले लें, सो R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ये हो गया WAB। ये है सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ये वर्क डन है। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये था सारा आज का, जिसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, एंड देन उसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के वक्त को। उसके बाद फिर हमने पढ़ा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड देन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सारा एक्सप्रेशन इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।